मौजूदा सिचुएशन की अगर बात करें तो क्या देखती हैं कि मार्च से पहले ये सियासी बहरान के हल होने की कोई उम्मीद नजर आती है या ये बहरान सेनेट इंतखाबात को किसी हद तक अफेक्ट कर सकता है? देखिए हाँ, ये एक तूफान है, तूफान के जद में हर चीज आती है बीबी। अब मसला ये है कि इस ये बहरान उठा क्यों, किस वजह से उठा, जबकि मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि मखलूत हुकूमत के अपने मसाइल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात सिर्फ ये चली जो मैं सुनता हूँ ज्यादातर कि करप्शन बेस पे थी। तो करप्शन की बात है अगर, तो पाकिस्तान में करप्शन इज द नेम ऑफ द गेम। आज आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आप करप्शन में इन्वॉल्व ना भी होंगे तो भी आप पे करप्शन आप पे इन्वॉल्व हो जाएगी। इस पे हम कोई बात नहीं करते कौन कितना करप्ट और क्यों करप्ट, लेकिन जिस दस्तरखान पे ये कोलिशन बैठी हुई थी, जिसमें सदर सनौला के बारे में कहा गया जी वो करप्शन थी ज्यादा और ये थी वो थी, लेकिन इसी दस्तरखान पे डे वन से 9 जून 2013 से ये सब के सब इसी दस्तरखान पे बैठे हुए थे और सब ने बैठ के खाया। लेकिन यह है कि डिमांड पर भी नवाब जरी साहब जाया करते थे, अगर जो कोई कहता था कि जी आए मेरे पास और मेरी थोड़ी सी वैल्यू बढ़े तो मैं आपको नाम लेके नहीं बताऊंगा, लेकिन नेता भी बताऊंगा कि फातिहा के लिए भी नवाब जरी साहब को मैसेज करके बुलाया जाता था कि आ जाओ ताकि हमारी हैसियत बढ़ जाए। देखिए डिमांडिंग बहुत है, सारे के सारे सारी कोलिशन पार्टनरशिप डिमांडिंग है जी। तो अब मसला यही होगा कि इलेक्शन उसके क्या कहे सेनेट के, और सेनेट के इलेक्शन में हम पे उंगलियां बहुत उठती है, बदबख्ती बहुत होती है, खरीदो फरोख्त के लिए भी लोग आ जाते हैं बाहर से। इस हद तक बलूचिस्तान को लोग नरम हड्डी समझते हैं कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था मुझे पंजाब से एक ने कहा था कि जी मुझे आप वजीर ले लें, जो कि इम्पॉसिबल था कम अज कम मेरे हिसाब से। तो मैं यही तभी आपको कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो होंगे उसके सेनेट के, उसमें भी ठीक ठाक किस्म का रौला पड़ेगा। इसके लिए हाई लेवल की सियासत चाहिए, क्लियर क्या कहते हैं कॉन्शियस चाहिए कि भाई आपने कुछ ना कुछ करना है। उसमें प्रिवेलिंग सिचुएशन पाकिस्तान की जिस तरह से चल रही है, आउटसाइड प्राइम मिनिस्टर जिस तरह शोर कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते, वो कहते हैं जी मेरा प्राइम मिनिस्टर वो है, तो ग्रिप बहुत कमजोर है इनकी सिस्टम के ऊपर। अल्लाह करे कि ये सिस्टम आगे चले और इलेक्शन जो है उसमें कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत से मसाइल उठेंगे और आप इसी तरह का एक सोप ओपेरा देखती रहेंगी सियासी।